ऐसे यार ट्रैवलिंग मैंने भी करने छोड़ दिया है। मैं ट्रेन में तो गए हो गए सारे, ट्रेन में ट्रेन में नहीं गई कभी, ट्रेन में ट्रैवल ही नहीं करती कभी। अरे मेरा जोक है यार उसके ऊपर तुम मैंने कहा ट्रेन में ट्रैवल करती, करी नहीं, जोक ही मार दो मैंने लिख के आया मैं पागल हूँ हाँ बोलना होता है ट्रेन में ट्रैवल करती है हाँ। अभी तो कहती नहीं करती आप मैम आप किसके साथ हो? अच्छा आप तीनों साथ में हो, क्या क्या फ्रेंड्स हो, क्या हो? बेस्ट फ्रेंड्स। ठीक है, अच्छी बात है। बेस्ट फ्रेंड क्या डेफिनेशन क्या है बेस्ट फ्रेंड की, कैसे बता सकते हो कि आप उसके बेस्ट फ्रेंड हो? हम लोग बचपन से साथ में, तो बेस्ट फ्रेंड हो गए। अरे मैं बचपन से साथ में, कोई दोस्ती तोड़ नहीं पाया, 22 साल हो गए। तोड़ क्यों नहीं पाया मैं ये जानना चाहता हूँ ना, कि आपने क्या किया ऐसा उसके लिए, खून दिया या च्युइंगम मिल बांट के चबाते हो, कैसे हो बेस्ट फ्रेंड? मुझे पता चले ना कि बेस्ट फ्रेंड है कैसे है? एक दूसरे का झूठा पानी, वो तो गरीबी हुई ना, वो बेस्ट फ्रेंड थोड़ी हुए, वो तो जब हम एक बोतल ही खरीद पा रहे हैं तो वो तो पीना ही पड़ेगा ना फिर उसके अलावा। वो बताओ कैसे हुए बेस्ट फ्रेंड, क्या किया इसके लिए आज तक ऐसा दोस्ती में? वो कह रही मैं हूँ भी बेस्ट फ्रेंड इस बंदे ने तो अस्तित्व में सवाल उठा दिया मेरे। आप भी तीनों, आप भी बेस्ट फ्रेंड हो? कितने बेस्ट आप? दो बेस्ट फ्रेंड कैसे हो सकते हैं एक इंसान के? और तुम हो इसके बेस्ट फ्रेंड? मैं आज तक अपने दोस्तों का बेस्ट फ्रेंड नहीं बन पाया, 20 साल हो गए अगले पड़ाव पे पहुंचते हैं, तो ये सवाल है 25,000 रुपए के लिए। आप क्या पी रही हैं इस वक्त? क्या रिलेशन में हो ना तुम दोनों? वो लग ही रहे मेरे को, वो उसने उसकी तरफ देखा, वो कह रहा मैं कैसे जवाब दे सकता हूँ। फिर तू रात को बोलेगी तुम्हें तमीज़ नहीं है क्या, तुम कुछ भी बोल देते यार बाहर जाके, थम्स अप पी रहे हैं यार, कुछ भी महंगा बोल देते यार। हाँ क्या? वुडका? अच्छा वो मिक्स करके, ये है भाई ये है ऑडियंस, ये जो दिल्ली में भी होता है ना वो बोतल में डाल देते हैं और फिर घूमते रहते हैं लवली लवली सिप मारते हैं। क्या करते हो आप मैम, क्या नाम आपका? स्तुति। स्तुति क्या करते हो? ओके तो कैसे मतलब बहुत वाहियात बीमारी क्या आई है आपके पास किसी पेशेंट की इसको लेके दिमाग में? स्कूल, तो ये बात आपको पहले बतानी चाहिए मैं ये स्कूल आपने बाद में लगाया कि अभी साइकोलॉजिस्ट बोल के मैं कूल लग रही थी, हे भगवान ये इंसान तो काम पे जा रहा है, मैं स्कूल साइकोलॉजिस्ट हूँ। अगर मैं बोलता ना बच्चों में क्या कहती, मैं तो जानवरों की हूँ, जानवरों के बच्चों की साइकोलॉजिस्ट हूँ। बच्चों में ज्यादा होते, अरे बच्चे बड़े हरामी हैं यार, बहुत ज्यादा बच्चे होते हैं। मैं एक बार गया था, अभी ऐसे ही बुला रखा था, तो वहाँ पे स्कूल वगैरह के लिए परफॉर्म करने गया था, तो मैं जोक सुना रहा, कह रहा भैया कुछ तड़कता भड़कता सुना तड़कता भड़कता क्या होता है यार, कह रहा ये तो हम सुनते ही है, ये हाल है 7वीं 8वीं क्लास के बच्चों। आपस में बताया था, मैंने रील भी डाली हुई, आपस में बातें चल रही है उनकी, एक दूसरे वाले वो कह रहे हैं शालिनी को आज मैंने किसी और के साथ घूमते हुए देखा, दूसरा कह रहा भाई लड़कियां तो होती ऐसी हैं, कह रहा मैंने बहुत दुनिया देखी है। मैं बेंचो कहाँ देखे, स्कूल में नक्शा भरते टाइम? बच्चे आजकल के बच्चे रहे कहाँ हैं? आप सर आप क्या करते हो? I work for Aka Solutions, Norwegian company, MNC है। अच्छी बात है, पैकेज तो मोटा होगा फिर क्या बात है, 300 रुपए का ग्लास लाया, ये 300 रुपए का गिलास कह रहा बहुत छोटा पैकेज है, वो पीछे पूछा जो जुराबों में क्वार्टर डाल के लाए हमने वो बाहर जा रहे भैया जरा गाड़ी देख के आ रहे, लॉक नहीं हुई हमारी डिस्को में जा जा के नीचे से यही होता अमीर इंसान, 300 रुपए की कोई कीमत ही नहीं है यार, 300 रुपये बड़ा छोटा सा गिलास है यार कैसे कैसे मिले थे? ऑनलाइन। यो कौन सी ऐप है यार मैं तो मर गया टिंडर में पैसे दे देंगे अब तो वो मुझे पैसे वापस करे, कह रहे मोहित नहीं हो पाएगा हमने अपनी तरफ से बहुत कोशिश करी लेकिन मानो हमारी बात को कौन सी ऐप पे मिले थे? बम्बल पे मिले थे। ये बम्बल बड़ा सही चल रहा है यार आजकल, कोई और है बम्बल पे? वैसे पीछे जो शक्लें दिख रही है मुझे मुझे बम्बल कम और डम्बल वाले ज्यादा लग रहे हैं ये जिम में जाके दया बढ़ाने वाले कौन है? तू तो होगा यार बम्बल पे, कौन है फिर तुम तीनों में से है कोई बम्बल पे?
सफेद किस किस की यहाँ पे गर्लफ्रेंड है पहले मुझे ये बताओ, पीछे की तरफ आपकी है तेरी गर्लफ्रेंड है उसे पता है तेरे को ही नहीं पता ये कैसा ये रिश्ता क्या कहलाता है दोस्त ये कैसे हो गया हाथ उठा यार है इसकी यार मैं बता रहा हूँ तेरे को क्या कितने साल से है सिक्स इयर्स क्या इलेक्शन नहीं करवाया उसने पांच साल बाद सिक्स इयर्स ये कैसा है भाई वो कैसे चला रहे हो तुम इतना लंबा रिलेशन हे भगवान लॉन्ग डिस्टेंस है वो भी नहीं मतलब कभी दिल्ली का ये दिल्ली का है सच्चा दोस्त यही होता है जो मारे ये होते हैं मैडम बेस्ट फ्रेंड की डेफिनेशन मैं पूछा ना बेस्ट ने क्या किया इसके लिए मैंने शोज में मरवाई है इसकी कि भाई ले ये हूं मैं इसका बेस्ट फ्रेंड आपको ऐसे बोलना है कभी और पूछे मैं बेस्ट फ्रेंड हूं तू क्या क्या बात है तो क्या कितना छह साल हो गए यार क्या करते क्या हो हिंदी में बोल रहे यार अब जब अब इतना हिंदी बोलने के बाद ये मैंने देखा कि इसे पूरा ना क्या करते हो आप इनका फिक्स है इंटरव्यू का सब कुछ मतलब ये आगे के चार पांच वर्ड्स सो आई शिफ्टेड आई वर्क एज ए बोल ले यार आराम से कंफर्टेबल रहे हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ रटा हुआ है एकदम से आई रिसेंटली मेरे को लगता है दिन के तीन इंटरव्यू दे रहा है वो पूछ रहे हैं कि हाँ सर आपने अप्लाई किया सो आई रिसेंटली वर्किंग है इसको याद हो रखा है ये बेचारा आगे नहीं आ पा रहा कि हाँ पैकेज तो कम है ज्वाइन कर ली आप बताओ काफी सही है कहाँ पे कौन सी कंपनी सो रिक्रूट से एक कंपनी है आईटी कंपनी है एचआर है क्या नहीं आई वर्क एज अ कस्टमर सक्सेस कस्टमर सक्सेस कस्टमर सक्सेस एसोसिएट कौन सा कस्टमर जिसको सक्सेस मिल रही है अच्छा लगता है ना यार ये सुनने में मतलब कस्टमर सक्सेस एसोसिएट काम क्या करना है सर एक्सेल शीट पे फिल्टर लगाने में नहीं यार मजे यार बातें चल रही है यार तू ऐसे दिल पे ले गया भाई कह रहा इतना पढ़ा हुआ आपने सर ऐसे कर दिया तू है यार तू बेस्ट है बेंच मैं कह रहा हूँ ऑनर तेरे से नीचे काम करेगा तुमने पैसे मिला के बॉस को रखा हुआ है कि हमें एप्लीकेशन पे साइन लेना होता है लड़ाई होती है आपस में छुट्टी के लिए टेंशन मत ले चिल एकदम आप नहीं ठीक है नाम पूछ रहा हूँ मैं तो गया क्या नाम है यार ऋत्विक तो ऋत्विक क्या करता है यार अच्छा सेम कंपनी में हो दोनों अच्छा तीनों सेम कंपनी में हो क्या एक्सपोर्ट का क्या एक्सपोर्ट कर रहे क्या ग्रेनेड्स अनार भैंस ये देखी मेरे को लगा सर हम बोल रहे ग्रेनेड भाई रिकॉर्ड हो रहा है ये कहीं तेरे ऊपर छापा पड़ गया सर हमने सुना था पोमे ग्रेनेड अनार के अच्छा अनार तो अनार एक्सपोर्ट कर रहे हो क्यों बाहर रुक नहीं रहे क्या कुछ भी बेच दोगे जमीर भी बेच दोगे ये रिकॉर्ड हो रहा है ना ये जो बोल रहे हैं ना उन्हीं अनारों के जूस की दुकान खोली तूने यहाँ पे कि मोदी जी ने रुकवा दिया पूरा माल बाहर अब क्या करूँ इन अनारों का ऐसे नहीं होता भाई इतना खुल के नहीं बोलना होता तुझे पता नहीं है माहौल कैसा है कुछ नहीं पता अगली बार कौन सी सरकार आ जाए काफी यंग लग रहे हो दोनों क्या एज है क्या करता है अच्छी बात है यार ये तो तुमने जिस एटीट्यूड से बोला ना स्टूडेंट हूँ मैं स्टूडेंट अबे किताबें खरीदी है भाई हमने मजाक है क्या तुमने देखी भी है किताबें किस चीज का क्या किस चीज का स्टूडेंट है आईटी इंजीनियर तो फिर तो देखो ये बताना नहीं चाहिए था तू बोल बस हूँ इस दुनिया में आईटी इंजीनियर इसके बाद कहा कौन से कॉलेज से कर रहे पिल्लई अभी कौन से ईयर में है थर्ड ईयर में है क्या बैक वैक है कोई नहीं है बिल्कुल नहीं है क्या क्या बोला है? नहीं होगा 20 साल का है बैक मतलब ये तो भैंस मैंने दो लोगों को देखा इतना कैलकुलेटिव एक वो सुलभ शौचालय के बाद जो रजिस्टर लेके बैठे होते हैं और एक यहाँ पे इसको देखा है मैंने बहुत सही है बेस्ट फ्रेंड काफी अच्छा है इसके बाद तो मैं सोचने की जरूरत है कि बेस्ट फ्रेंड बदलने
अप्लाई करो कहीं भी, फेसबुक पे अप्लाई करो, आई नीड बेस्ट फ्रेंड्स. आपका आपका क्या नाम है? अदिति. आप क्या कर रहे हो? फाइनेंस एनालिस्ट. आपने सारा एक्सेंट लगा दिया ना इसको बोलने में. नहीं, क्या कैसे, मतलब कहाँ पे, कौन सी कंपनी है? यूएस मॉर्गेज कंपनी. इतनी पॉश ऑडियंस है क्या मेरी? मेरे को यकीन ही नहीं होता. मैं जिस जिस स्टेट में मैं ऐसे ऐसे शोज करके आ रहा हूँ ना भाई, मैं अभी यूपी में था तो वो गाने वाने बजते हैं ना आर्टिस्ट के आने से पहले, तो जैसे ही गाने खत्म हुए मैं स्टेज पे आया, पीछे का अंकल खड़े हो गए, कह रहे बेटा तुम जोक छोड़ो ना कुछ गा के सुना. हमारा मूड चेंज हो गया. अब ऐसी ऐसी जगहों से आके ना फिर मैं ये सुनता हूँ ना कि फाइनेंस एनालिस्ट, और यहाँ मैं इनका सुन रहा हूँ, यहाँ मैं इनका सुन रहा हूँ, मेरे को लग रहा है आप शायद गलत शो में आ गए हो. आप हो नहीं रही हो. अरे वाह, ये होता है प्यार. नहीं अरे सर क्या बात कर दी है, डालो यार पैक बनाओ, गर्लफ्रेंड के पैक बनाने से बड़ा प्यार क्या है. पटियाला वाला हमने भी बहुत बनाया भाई, वो हम भी रहे आशिकी में. अरे भाई एक बार ऐसे ही हुआ था, शराब पी के मैं बड़े बड़े वादे कर देता हूँ, तो मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से कर दिया था वादा. मैंने कहा कल सुबह मैं तुझे ऑफिस छोड़ूंगा. और वो ठंड के महीने में, जनवरी का महीना था. बहन सुबह सुबह फोन आ गया, कह रही मैं तैयार हो रही हूँ 15 मिनट में. भाई मैंने दरवाजा खोला, मच्छर शॉल पहन के उड़ रहे थे. कह रहे कहाँ जा रहा है? मैं छोड़ गया हूँ, यकीन नहीं कर रहा, मेरी बॉडी का कोई छेद नहीं था जब बर्फ ना जमी हुई हो. ऐसे वादे नहीं करने होते कभी भी शराब पी के बड़े बड़े. कैनन से तो बात हो रखी है, आप कैनन के साथ हैं दोनों के? नहीं. अच्छा आप अलग है दोनों, क्या करते हो सर आप? यू कैन से लीगल, आप लीगल बोल सकते हैं. नहीं मैं तो आप जो बोलते हो मैं तो वही बोलूंगा. नहीं करते, मैं अपनी तरफ से क्यों बोलूंगा यार. लीगल इलीगल, देखो उसको ये भी पता है, उसको कॉलेज के अलावा उसको ये भी पता है कि आप इलीगल ही बोल सकते हो. ये कह रहे आप बोल सकते हो यार, आपका मन है जो बोलना है बोले यार, जो समझना है ऐसे नहीं बता यार, क्या करते क्या हो आप. वो लॉयर हो? आप लॉयर हो, ठीक है. लिट्टी, मैंने लिट्टी के बाद सिर्फ चोखा सुना है वहां पे. ये गेशन क्या है आगे, कुछ एक लिटिगेशन ये बताएगा मुझे. तुम छोड़ो, उसको पता है जो क्या होता है भाई लिटिगेशन. अब मैं सबसे पूछूंगा ऐसे जवाब में. क्या होता है लिटिगेशन? समवन लाइक आर्बिट्रेशन. अरे बता भी रहा है यार ये. अरे यार ये बोल दे उससे पूछेगा जिसकी बात है लिटिगेशन. अच्छा परफेक्ट है. आपके साथ ही आप भी सर लॉयर है? नहीं सर. आप क्या करते हैं? ऑडिटर है. सर आपकी लुक देख के लग रहा है बंदा पहली पैसा रख देता होगा सामने. आप ऑडिटर कम और वसूली वाले ज्यादा लग रहे हो. भाई ये कमाया इस महीने का. जो भी फालतू था दे रहा हूँ तेरे को मैं. काफी सही. तो आप भी बॉम्बे से बिलोंग करते हैं? कहाँ पे बॉम्बे से? कोई नहीं, मैं कौन सा दिवाली का डब्बा देने आ रहा हूँ आपको. आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं नंगे पाँव आपको डब्बा देने आ रहा हूँ कि भाई रहने दे यार, बहुत दूर है, तू कहाँ इतनी दूर तक आएगा. क्या हो गया? अरे वाह, गर्लफ्रेंड का? ये शर्मा गया. ये नहीं है गर्लफ्रेंड का? नहीं. तो किसका था? किसका? तू भी बेस्ट फ्रेंड है जो मर रहा है ना. ये दो ही से कॉल है भाई, मुझे लो. नहीं नहीं मैंने आईटी ब्रांच नहीं लग रहा ना. मेरे को खुद नहीं, मेरे को प्लेसमेंट हो गई थी मेरी. अबे डिबेट तोड़ी है बच्चों ने, तुम तो पागल बना रही हो मेरे को. ऐसे सवाल पे सवाल फेंके जा रहे हो. अबे रिकॉर्डिंग भी करनी है भाई मेरे को. इंटरव्यू हो रहा है. पीछे भी दो लोग हैं, मेरी तो बात ही नहीं हुई उनसे, बल्कि इनफैक्ट चार लोग हैं. सर आप चारों साथ में हैं क्या? आप दोनों और आप दोनों? नहीं. अच्छा चारों दोनों अलग अलग कपल है. अरे वाह नाइस. सही बात कर सकते हैं आपसे? अरे वाह बहुत बढ़िया. वैसे दिल्ली में पूछा नहीं. जो कर रहा है वो करके जा, बात करने के लिए थोड़ी आया हूं यहां पे. हाँ सर आपसे बात कर रहे थे, सॉरी. हाँ क्या करते सर आप? किस चीज का? जिम है. एक बार डोला दिखाना अपना.
यूं करो एक बारी हैं, डोला नहीं है, जिम कर रहे हो, डोला नहीं है यार ये, फिर करा रहे हैं। अच्छा आपने पैसा डाल रखा है उसमें क्या? इधर भी जिम है, ये तो मजदूरों वाली बॉडी लग रही है मेरी। ये तो ऐसा लग रहा है बेचारा इंजीनियरिंग के बाद रेडी खींचने की प्रैक्टिस कर रहा है ये, कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आगे चल के। नहीं नहीं बढ़िया, अच्छी बात है, अच्छी बात है। कितने कितने ट्राइसेप्स है, टटर सेप्स से कितने? ट्राइसेप्स है, यूं करियो एक बारी। अभी नहीं है, घर पे रख के आया हूँ, जब लड़की देखता हूँ लगा लेता हूँ। थोड़ा ब्रेक लिया था, हाँ ठीक है कोई। किस चीज़ के लिए ब्रेक लिया था, ऐसा क्या तैयारी कर रहा था? घूमने के लिए ब्रेक लिया था। कितने साल से घूम रहा है? थोड़ी ट्रैवलिंग में जानना चाहता हूँ, थोड़ी ट्रैवलिंग की क्या डेफिनेशन है, क्या होती थोड़ी ट्रैवलिंग? तुम पे भी करते हो कि ऐसी, मतलब ये साथ में ही दे? तो क्या लोकल में कितना टाइम घूमे फिर? अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, अपनी कार है, ठीक है ठीक है। तो ये कौन सा ऑटो पे लटक लटक के आ रहे हैं? सब अमीर है यहाँ पे, सबके पास अपनी, मेरे पास नहीं है तो क्या हो, इनके पास तो है ना अपनी कार। ऐसे यार ट्रैवलिंग मैंने भी करने छोड़ दिया, मैं ट्रेन में तो गए हो गए सारे, ट्रेन में ट्रेन में नहीं गई कभी। खाई हो धरती माँ कसम, झूठ बोलेगी भूकंप। फ्लाइट में ट्रैवल करती, ट्रेन में ट्रैवल ही नहीं करती कभी। अरे मेरा जोक है यार उसके ऊपर तुम। मैंने कहा ट्रेन में ट्रैवल करती, करी नहीं, जोक ही मार दो। मैंने लिख के आया, मैं पागल हूँ। हाँ बोलना होता है। ट्रेन में ट्रैवल करती है हाँ। अभी तो कहती नहीं करती। जोक जोक के लिए तो मतलब जमीन बदल सकती हो, ऐसा नहीं करना होता कभी, अपनी बात पे अड़िग रहो। ट्रेन में ट्रैवल करती हूँ, जोक खराब हो जाएगा मेरा यार। जो तुम्हें अच्छा लगे, ट्रेन में ट्रैवल करती हूँ, ठीक है। अब अगले जोक पे आएंगे हम, अब हम ये वाला जोक ही नहीं कर रहे। कैब में ट्रैवल करती हूँ, उसमें मैं नहीं करता। वो महंगी होती है। धोखा दे चुका तुम्हें रस्ते में? हाँ हाँ वो तो मैंने बताई थी, मैंने कहा तुम्हें धोखा दे चुका है मेरे को वो लगा। आपको? अच्छा मेरे को तो हर कैब वाला धोखा दे देता है। हाँ तो मैं कहाँ पे था? ये होती है दिल्ली वाली ऑडियंस। अब मेरे को फील आ रही है थोड़ी, अपना पंसा लग रहा है मेरे को। मैं कहाँ पे था? तू जान, हमारी इतनी दिक्कत है, हम ये देखे तू था कहाँ पे। तुम्हारी स्टोरी है यार, तुम्हें पता होना चाहिए ना इस बात का। बहुत सही, ये ऐसी है मतलब, वैसी वैसे भी सही है, एकदम अथॉरिटिव रहती है। इसकी खुद ही गान पड़ गई बोलते हैं। मैंने कहा ये ऐसी रहती है नहीं, पर थोड़ा ये यूं तो नहीं लगती, तो यूं काम तो नहीं करवाती ये, कि देखो बोला था ब्रेड लाने के लिए। नहीं बढ़िया, काफी बढ़िया। तो हाँ मैं ये कह रहा था, कहाँ पे था मैं सर, कोई याद दिलाएगा? नेगेटिव, मेरे बाप से आगे बढ़ गया था मैं, वापस मेरे बाप पे ले आओ मेरे को। नहीं अच्छा है, तो हाँ मैं वही कह रहा था, तो मैंने कर ली अपने आप से एक कमिटमेंट, और मैं ऐसा इंसान हूँ जो एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी, ये लाइन मैं बोल चुका था एक्चुअली। तो यार गलत क्यों बता रहे हो, तो मैं पूरा डिस्टर्ब कर रहे हो। तो मैंने कहा हाँ पहले तुम बताओ तुमने क्या बोला, उन्होंने क्यों बोला, तो बोला मेरे को तो ये समझ में नहीं आया तुमने क्या बोला। जी और को आया समझ में? तुम अपने सबटाइटल्स लेके क्यों नहीं चलती साथ में? देखो टाइम हो रहा है, ये वेन्यू बंद कर देंगे, इन्होंने मुझे बोल रखा था 9:45 से 10 के बीच में ख़त्म करना है जो स्टोरी कंप्लीट होने थी। ये स्टोरी में दिल के बहुत करीब है, मैं बता रहा हूँ तुम। काफ़ी राउडी लड़की है ये, मैंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था बॉम्बे में, मुझे अब तक हरियाणा में मिले ऐसे एक लोग। अरे बोले यार एक जाना भी है। दोस्त लाया। हाँ मैं पंजाबी हूँ। तुम पंजाबी हो?
ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं नहीं मानता. क्या नाम है तुम्हारा पूरा? वाधवा. वाधवा, अच्छा ओके. तो तुसी पंजाबी हो? रात में पंजाबी. मैं वही कह रहा हूँ, पहली पंजाबी है साउथ इंडियन एक्सेंट में बोल रही है. वही सोच रहा था है ना, मैं खुद बैठ के हाथ में आ गई कि हमारे यहाँ नाश्ते में भटूरे के साथ सांभर खाते हैं. तुझे सब पता है पहले से. तुझे और कॉलेज कह रहा, आई न्यू इट वाज कमिंग भाई.